नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं केसरी न्यूज लाइव और सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूँ आपके साथ प्रिया, यही नजर डालते हैं आज की खबर पे। आशा द्वारा बीसीपीएम से नोकझोंक। जनपद के कप्तानगंज के स्वास्थ्य केंद्र में बीसीपीएम विनीता मौर्य गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल प्रक्रिया में जांच पर निकली थी। जांच के दौरान आशा बहु विद्रावती की कमी पाई गई। विद्रावती अपने ही गांव की किसी परिवार में मां और नवजात शिशु के कुपोषण होने की सूचना बीसीपीएम और स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं दिया था, जबकि जांच के दौरान बीसीपीएम विनीता मौर्य ने आशा विंद्रावती को दोषी पाया तो फटकार लगाने लगी। फटकार लगाने पर आशा विंद्रावती बीसीपीएम के खिलाफ हो गई। अपने साथ कुछ आशा बहुओं को लेकर बीसीपीएम से अभद्रता से पेश आई। वह तमाम तरह के आरोप बीसीपी सीपीए पीएम पर लगाए। कुशीनगर से हमारे संवाददाता ज्ञानेन्द्र कुमार पांडे की रिपोर्ट। सर, आपके वहाँ आशाओं को और बीसीपीएम को लेकर के कुछ मैटर्स चल रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जो प्रथम दृष्टया हमारी बीसीपीएम महोदया ने मुझे अवगत कराया, अपने ये रूटीन वर्क में जांच में निकली हुई थी, इनकी कुछ फील्ड में कमी में देखी, जिनको इन्होंने अवगत कराया मुझे, तो इन्होंने लिखित भी अवगत कराया है और इसको जो है हमने संज्ञान में लिया है और अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित भी किया है। जी जी, इस तो जो कल हुए शायद कुछ ये लोग अपना जामू भी किए थे, धरना प्रदर्शन भी किए थे। हमारी जो ऑफिसर हैं जो काम कर रही हैं हमारे यहाँ, वो हमें इस बारे में ऐसा कुछ नहीं बताई थी और ऐसा कुछ मेरे संज्ञान में भी नहीं था। ठीक है, मुझे जो संज्ञान में था वो ये था कि फील्ड में जो ये रूटीन वर्क के लिए गई थी इंस्पेक्शन, तो इनके इसमें कमी इन्होंने जो महसूस किया, इन्होंने मुझे लिखित अवगत कराया था और उसको उसी को लेकर के बस ये सारे मामले हैं। बाकी उसके अंतरा में आगे जो कुछ हो रहा है ये मुझे जानकारी नहीं। सर, आपका नाम जानना चाहते हैं? डॉक्टर एस के गुप्ता। सर, आप यहाँ पे प्रभारी पद पर नियुक्त हैं? ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।